नगर निगम के वार्ड 30 के टाटपट्टी मोहल्ला की सड़क विगत 30 वर्षों से अपने जीर्णोद्धार की बात जो रही थी, जो अब जाकर पूरी हुई है। जब वार्ड पार्षद सत्या देवी जायसवाल ने 10 लाख रुपए की लागत से इस सड़क का निर्माण कराया। नगर पालिक निगम भिलाई के वार्ड 30 की यह सड़क जो टाटपट्टी मोहल्ले से होकर गुजरती है, यह विगत 30 वर्षों से जीर्ण शीर्ण अवस्था में पड़ी हुई थी, क्योंकि इस रोड के दूसरी तरफ वार्ड 31 आ जाता है और विगत 30 सालों से दोनों ही वार्डों के पार्षद एक दूसरे पर इसकी जिम्मेदारी डालकर हट जाया करते थे, जिससे यह सड़क का निर्माण नहीं हो पाया था। परंतु यह सड़क वार्ड 30 के अंतर्गत आता है और इसकी दैनिक स्थिति को देखते हुए वर्तमान वार्ड पार्षद श्रीमती सत्या देवी जायसवाल ने पूरे 10 लाख रुपए की लागत से इस सड़क का नवनिर्माण कराया। इसके बाद से दोनों ही वार्ड के रहवासियों ने हृदय से वार्ड 30 की पार्षद सत्या देवी जायसवाल का आभार जताया है। आज बहुत बड़ा दिन है भैया, विश्वकर्मा भगवान की पूजा आज पूरे शहर में हो रही है और विश्वकर्मा भगवान की पूजा हम सब भी करते हैं, क्योंकि हमारे घर फर्नीचर से संबंधित व्यापार है, तो विश्वकर्मा पूजा हम भी बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं, बहुत अच्छे से मनाते हैं और पूरे शहर में विश्वकर्मा भगवान की पूजा मनाई जाती है। और इसी उपलक्ष्य में अभी 30 साल पूर्व मांग थी हमारी एक टाटपट्टी मोहल्ले की रोड की, तो अभी वो रोड बन गई है और वो रोड बनने में 10 लाख का सेंक्शन जो है लगा कर रखा था हमने, और वो रोड बन करके पूरी तरह से एकदम बढ़िया तैयार हो गई है। और वहाँ के लोगों की ये बहुत पुरानी मांग थी और पहले पूर्व पार्षदों के द्वारा भी उन लोगों ने चेताया था कि इस रोड को बनाया जाए, पर दो पार्षदों के बीच में अब उनकी सहमति सही नहीं थी, उस वजह से वो रोड 30 सालों से उसी तरह एकदम टूटी फूटी पड़ी हुई थी, बन नहीं पाई थी। और वो रोड हमारे वार्ड में, मेरे वार्ड में आती है, तो जाहिर सी बात थी वो रोड हमें बनानी ही थी, तो मेरे पार्षद बनने के बाद उस रोड का बनाने का मेरे द्वारा और हमारे वार्डवासियों के द्वारा पूर्ण हुआ। वार्ड 30 की पार्षद सत्या देवी जायसवाल अपने वार्ड वासियों की चहेती पार्षद हैं और वह बखूबी जानती हैं कि वार्ड वासियों को कैसे खुश किया जाता है। अगर यह भी इसी दुविधा में रहती कि यह रोड कोई और बनाएगा तो शायद आज इस रोड का निर्माण नहीं हो पाता और वार्ड की जनता के चेहरे पर खुशियाँ देखने को नहीं मिलती। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।